चीको द रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर नवरात्रे 9 दिन ही क्यों मनाए जाते हैं और साल में इन्हें 2 बार ही क्यों मनाया जाता है। नवरात्रि एक हिंदू त्यौहार है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान माता देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रे एक वर्ष में 4 बार आते हैं, पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन मास में। लेकिन ज़्यादातर लोग चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रे ही करते हैं। पौष और आषाढ़ मास के नवरात्रे गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। कई लोग गुप्त नवरात्रे भी करते हैं और ये भी कम लोग ही जानते होंगे कि चैत्र नवरात्रों को वसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है और अश्विन मास के नवरात्रों को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। दोनों मास के ही नवरात्रों में पूरे अनुष्ठान के साथ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। दुर्गा सप्तशती में देवी के 16 रूपों का वर्णन किया गया है, लेकिन मूर्तियों में उनके 9 रूपों की ही पूजा होती है। देवी भागवत और वाराह पुराण में भी देवी के 9 रूपों की ही चर्चा की गई है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। देवी के उग्र और शांत दोनों ही रूप हमें देखने को मिलते हैं। शांत रूप में उष्मा, उषा, गौरी, अंबिका आदि देवियों का उल्लेख है, जबकि उग्र रूप में माँ काली का रूप सबको पता ही है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में हर तिथि का अपना महत्व है। 9 दिन देवियों के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में हर दिन का अलग महत्व है। नवरात्रि गुजरात और पश्चिम बंगाल में विशेष पर्व के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से कि साल में 2 बार नवरात्रे मौसम के बदलने पर ही क्यों मनाए जाते हैं। एक नवरात्रे गर्मी के शुरू होते ही आते हैं चैत्र में, जिसे हम वासंतिक नवरात्रे भी कहते हैं, और दूसरे नवरात्रे आते हैं सर्दी के आहट देने पर, जिन्हें हम शारदीय नवरात्रे कहते हैं। यानी कि दोनों बार जब नवरात्रे आते हैं तो मौसम बदल रहा होता है। ऐसे में अनाज, तला भुना और भारी खाना सेहत को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए नवरात्रों में फल या हल्का खाना खाने को कहा गया है, क्योंकि साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं तो 6 महीने में हमें अपने शरीर का एक्स्ट्रा फैट या शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। गर्मी और सर्दी के मौसम में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी हम पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है, क्योंकि इस समय फसल पकती है। बारिश, पानी, सर्दी, गर्मी से राहत आदि जैसे जीवन उपयोगी कार्य इस समय पूरे होते हैं। इसी कारण दैवीय शक्तियों की आराधना करने के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। प्रकृति में परिवर्तन के कारण हमारे बाहरी मन के साथ साथ हमारे मस्तिष्क में भी परिवर्तन आते हैं। इसीलिए शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हम व्रत रखकर शक्ति की पूजा करते हैं। अनाज खाने से आलस्य आता है और हमारा जो ध्यान पूजा पाठ में नहीं लग पाता। एक बार इसे सत्य की असत्य पर व धर्म की अधर्म पर जीत के रूप में मनाया जाता है, वहीं दूसरी बार इसे भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे रामनवमी भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रे साल में 2 बार ही क्यों मनाए जाते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आपको मैंने बताए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।